नवादा जिले के बंडाचक गांव टोला विकासपुर में एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान 30 वर्षीय किरण देवी के रूप में की गई है। परिजनों ने दहेज न देने के कारण ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। केंद्र और झारखंड सरकार कहने को भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही हो, पर बेटियां किन हालात में पढ़ने पर मजबूर हैं यह देखने वाला कोई नहीं। गढ़वा के अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास में छात्राएं जेल से भी बदतर हालात में रह रही हैं। आलम यह है कि छात्रावास में न तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और न ही कोई वार्डन। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। ये है गढ़वा में स्थित अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास। कहने के लिए 50 की संख्या में छात्राएं अपने घरों को छोड़ बेहतर शिक्षा की उम्मीद में यहां रह रही, लेकिन जब इस छात्रावास की जर्जर हालात हमारे कैमरों में कैद हुई तो सरकार के दावों की पोल खुल गई, क्योंकि न तो यहां पानी की व्यवस्था है और न ही कोई वार्डन, जिससे यहां रह रही छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम लोग के यहाँ रहने में बहुत कठिन है और बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सुरक्षित? हम लोग के कुछ सुरक्षित यहाँ रहने के लिए नहीं मिला गया। पहला बात, हम लोग के वार्डन नहीं है और पानी की बहुत समस्या है। यहाँ तक जब तक से रह रहे हैं तब तक से समस्या ही समस्या हो रहा है और हम लोग के असुरक्षित बहुत महसूस करते हैं और पानी के लेकर भी बहुत समस्या है और हर साल इसी तरह होता है। वहीं जब कुछ छात्राओं ने हिम्मत जुटाकर समाहरणालय जाकर इसकी शिकायत की तो क्या जवाब मिला, आप भी सुनिए। जब हम लोग समरणालय पे गए थे तो वहाँ पे गए तो वहाँ बोले कि पानी की समस्या लेकर कुछ आए हैं, तो बोल रहे हैं कि फ्री फ्री में रह रही है हॉस्टल में, आओ पानी भी मिलेगा, पानी खरीद के पियो। हम लोग बोले कि इतना ही दम रहता तो हम लोग रेंट पे रहते, तो बोल के जाके रहो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोले थे। दूसरी ओर इस छात्रावास के हालात के बारे में हमने राज्य के एक मंत्री मिथिलेश ठाकुर से पूछा तो उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए दुत्कारने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही, साथ ही छात्रावास में सभी सुविधाएं जल्द मुहैया कराने का आश्वासन दिया। ये बहुत ही गंभीर मामला है, अगर ऐसी बात आई है, अगर हमारे संज्ञान में लिखित रूप से ऐसा कोई मामला आएगा तो जो भी इसके लिए संबंधित अधिकारी हैं या जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में यह मामला आया है कि आदिवासी छात्रावास में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत जल्द मेरी कोशिश रहेगी, एक सप्ताह के अंदर वहां पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। एक तरफ उज्जवल भविष्य की लालसा लिए गाँव से शहर का रास्ता तय कर पहुंची छात्राएं आज अपने बदतर वर्तमान पर मायूस बैठी हैं, तो दूसरी तरफ सरकार लड़कियों को शिक्षा मुहैया कराने की बात कहकर वह वाही लूटने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जुबान से यही निकलता है कहां फुर्सत उन्हें हमसे मिलने का, गर पूछ लेते किसी से हाल मेरा तो कोई बात होती। नेशन न्यूज के लिए आशुतोष रंजन की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं कोरोना पर बने उस गीत के साथ जिसे कटिहार के युवा संगीतकार एक क्लब ने गाया है। नमस्कार। खुलते मेरा स्कूल तुम जाते हो करो ना, खुलते मेरा स्कूल तुम जाते हो करो ना, नेताजी की रैली में क्यों नहीं जाते हो करो ना, खुलते मेरा स्कूल तुम जाते हो।